जिला मंडी के ग्राम पंचायत वायला तथा आसपास की पंचायतों के लिए शीघ्र ही लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा। ये जानकारी विधायक राकेश जम्बाल ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत वायला में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना के निर्मित हो जाने से क्षेत्र के लोगों को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध होगा। योजना का प्राकलन बनाकर स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि वायला क्षेत्र के लिए शीघ्र ही पथ परिवहन निगम की बस सेवा चलाई जाएगी ताकि लोगों को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास की चर्चा करते हुए राकेश जम्बाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 10 माह के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सुंदरनगर में मातृ शिशु अस्पताल तथा 12 करोड़ रुपए की राशि महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज में क्लस्टर यूनिवर्सिटी भवन के लिए मंजूर की गई है। सुंदरनगर के ललित चौक पर पार्किंग निर्माण के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विश्राम गृह चौक पर भूमिगत पैदल रास्ते ललित चौक पर भी जल्द फ्लाईओवर ब्रिज का शीघ्र ही निर्माण किया जाएगा। आशीर्वाद से आज बटवाड़ा में भी हमारी सड़क पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी जो उसका उद्घाटन होने वाला है वहां पर बस चलेगी। पुणे में किस प्रकार के उद्घाटन होते थे आप लोगों से छिपा नहीं है। टाई सड़क का भी आपके सामने उद्घाटन हुआ, वहां पर भी उस दिन जिसका उद्घाटन हुआ हमारे उस गांव के लोगों को लगा कि अब बस आएगी। उन्होंने बड़ी धाम का भी आयोजन किया और खूब बैंड बाजे के साथ उसमें विधायक जी को ले गए। विधायक जी ने बस को बड़ा सुंदर तरीके से सजाया और टाली गांव में पहुंचाया, लोगों को बस दिखाई कि बस की लंबाई इतनी होती है, इसमें सीटें इतनी होती है, ड्राइवर यहां बैठता है, कंडक्टर यहां बैठता है और आपको यहां बैठना होगा। ये सारी जानकारी बस की दी, उसी दिन बस के दर्शन कराए। हड्डी के आज तक बस नहीं टालिया वाले देखिए।